नोएडा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सेक्टर 21 में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की नोएडा से मिल रही है। सेक्टर 21 में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि सफाई चल रही थी, तभी अचानक ये हादसा हो गया। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि 9 लोग दबे हुए हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ अधिकारी नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ डीएम मौके पर मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग घायल हुए उन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा 21 में जो सेक्टर 21 है, वहां पर बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से 4 लोगों की जान चली गई है। बिजली घर के सामने जलवायु विहार में यह दीवार गिरी है। तकरीबन 5 से 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दीवार के बगल में लानी बनाने का काम चल रहा था और अचानक से दीवार के गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया है। आखिर सवाल यह है कि नोएडा में जो दीवार गिरी है उसका जिम्मेदार कौन है? अभी 3 जेसीबी के सहारे ईंट हटाने का काम किया जा रहा है। मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश लगातार जारी है। किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार है, बड़ा सवाल कि आखिर मजदूरों की जान कितनी सस्ती है, किसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। तो इसी पूरे मामले पर जो गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुहास अलवाई, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेजी गति से कार्य चल रही है, वे जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। तो जिलाधिकारी को आपने सुना है, जो भी लोग घायल हैं उन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में, नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ जारी है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि अधिकारी कर चुके हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया, ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर जांच की बात भी अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो नोएडा का ये पूरा मामला है, सेक्टर 21 में ये बड़ा हादसा हो गया है। काम चल रहा था साफ सफाई का, तभी अचानक की दीवार गिर गई, इसके नीचे दबने से कई मजदूर घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो नोएडा के सेक्टर 21 में यह हादसा हुआ है, दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी दबे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पल पल की अपडेट न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही।